टूर है हमारा माथेरान, और ये माथेरान की एंट्री, हमारी गाड़ी माथेरान में इंटर करते हुए बड़े ही बेहतरीन ड्राइवर के साथ में, मतलब ड्राइवर नहीं है दोस्त है अपना, इसी में बोल दिया, आई रिटर्न माय वर्ड, हाउ आई अपना माथेरान का रास्ता, और रास्ते में छोटा सा घाट है, और रास्ते में ये पहाड़ पे रास्ता, और रास्ते में हमारी गाड़ी, गाड़ी में हमारे पावर भाई, रास्ता में माथेरान, ये 15-20 मिनट का रास्ता है, पर हेवी ड्राइवर होने की वजह से 10-15 मिनट ही लगे हम लोग पहुँचने। निसर्ग ढाबा ऑर्डर प्रमाणे जेवण मिळतं, ये माथेरान मिनी ट्रेन की ट्रैक, ज्यादा एक्शन होता है। हम लोग फाइनल माथेरान की एंट्री गेट पे पहुंच गए, ये माथेरान की एंट्री है यहाँ से, और यहाँ से ये एंट्री है कार पार्किंग की, यहाँ कार पार्किंग होती है, यहाँ हमसे ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर, ये एंट्री यहाँ से टिकट है। तो ये माथेरान की पार्किंग है, आधे आधे किलोमीटर की पार्किंग हुई, जहाँ देखो वहाँ पार्किंग ही पार्किंग है, 100 रुपया चार्ज है पार्किंग का, जहाँ देखो वहाँ तक कार ही कार है, एंट्री में भी लाइन है, अभी देखते क्या है। 6 अगस्त है, संडे का दिन, और ये टिकट की भीड़ है, स्टाफ। और ये लाइन टिकट के लिए, एंट्री के लिए लाइन है, घूमने के लिए, ओह ये टिकट निकल गया हम लोग, चलो 50 रुपया पर पर्सन है टिकट। और ये एंट्री है, चलो 1, 2, 3, 4 और मैं 1, 5 बराबर, अब वापसी जाना है, वो तो एंट्री हो गए हम लोग की, फाइनली फुल फ्लैश एंट्री जा ली हमारी, फुल फ्लैश एंट्री, ये इंट्रो हो गया मेरे माथेरान में, ओह माय गॉड, उल्टा टिकट 50 रुपया पर टिकट, ठीक है। अरे जान चल, बोल रहे तो छोड़, ये एंट्री ले ली हमने अंदर, मस्त ठंडा मौसम है, तो ये घोड़े जो अंदर जाने के लिए मिलते हैं, रेनकोट पहने हुए घोड़े, टाट पटरी पहने हुए, सर टाट पटरी पहने हुए घोड़े, अगर इसको लेना है वो ले सकता है, बात करके घोड़े से ऊपर तक छोड़ देगा, माथेरान स्टेशन तक। इनका स्टेशन है अमन लॉज, मतलब मिनी ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन यहाँ पर, ये एंट्री है। तो टॉय ट्रेन में आपको टिकट लेकर जा सकते हैं, जो आपको माथेरान का जो मेन मार्केट है वहाँ तक छोड़ेगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ट्रेन से नहीं आएंगे, हम लोग पैदल जाएंगे, क्योंकि खतरों से खेलने का शौक है हमारे को, पालतू शौक नहीं पाले, एडवेंचर का शौक पाले। अरे कुत्ता देखो सुसाइड करने के लिए सोया पट्टी में, और उसको देने वाली ट्रेन यहाँ नहीं आती। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल जाएंगे ऊपर तक, कुछ लगभग लगभग 3 किलोमीटर होगा ना, 3 किलोमीटर ट्रेन आ रही है, आवाज आ रही है, और ये पीछे स्टेशन को छोड़ते हैं हम लोग, नेचर को फील करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग नेचर लवर। आप लोग बहुत दूर है, ओ लुक इज दिस मिनी टॉय ट्रेन,
दिस इज इंडियन बोगी। पूरे 5 मिनट चलने के बाद में लड़के हमारे जो थक गए, तो चाय नाश्ते के लिए हम लोग रुके यहाँ पर। 5 मिनट चलते ही थक गए तो हम लोग एक चाय टपरी पे रुके, मतलब चाय पीने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए। आप इधर आओ, मेरे चैनल का नाम लो, आपको यहाँ पर कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पूरा पैसा लेगा। ये रास्ते में व्यू देखो, पहाड़, ये तरफ से देखो पहाड़, वो तरफ से देखो पहाड़, जहाँ देखो पहाड़ी पहाड़, और बीच में पटरी। फिर से वापिस चलते हैं, आगे हमने रास्ता कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने ट्रैक का रास्ता छोड़ के कच्चे पक्के रास्ते पे आ गए। ये पूरे माथेरान में ऐसा रास्ता बना हुआ है चलने के लिए, जो ट्रैक पे चलने के लिए थोड़ा वो हो रहा था, पत्थर थे सब इसके लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए माथेरान मार्केट। ये माथेरान का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर वो टॉय ट्रेन छोड़ दिए, तो बारिश बहुत हो रही है। मोबाइल वाटरप्रूफ है लेकिन फिर भी कवर में, क्योंकि अपने जरा भी रिक्स नहीं लेना है। और ये स्टेशन है माथेरान का, यहाँ पर ही ट्रेन छोड़ती है, और यहाँ से तो जा जाना है जा सकते हैं। इसके आगे ओनली ट्रांसपोर्ट घोड़ा। पूरा लगभग 1 घंटा लगा हम लोगों को नीचे से ऊपर आने में, अमर लॉज से माथेरान आने, क्योंकि हम लोग बीच में रुकते भी आए। अगर कंटिन्यू चलोगे तो हार्डली 30 से 40 मिनट लगेगा। फाइनली हम लोग यहाँ आगे चलते चलते, इधर से 2 रास्ते, एक ये पॉइंट आने का, एक ये पॉइंट आने का, तो हम लोग ने डिसाइड किया हमको पैदल लेक जाना है। ये भाई कितना दूर है यहाँ से लेक? यहाँ से लेक एक ने बोला कि 45 मिनट लगेगा बाय वॉक, देखते कितनी देर में पहुँचते। की लिस्ट है यहाँ कौन कौन से पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट, बाकी पॉइंट यहाँ, तो हम लोग चले अपने पॉइंट पर कवर करने। यहाँ यहाँ से लेक चार लोग लेक 1/2 किलोमीटर है, 500 मीटर, और कच्चे रोड स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, देखते 10 मिनट ही वो चल गए, 10 मिनट में पहुँच जाए, 20 मिनट में शायद क्योंकि वहाँ से पहुँच जाए। हमें सीनरी देखो, पूरा जंगल ही जंगल है, घोड़े चल सकते हैं। मेरी हम लोग लेक के पास पहुँच गए, ये लेक का पॉइंट है, अंदर जाना बना है, रिवर्स वाटरफॉल। तो ये लेक है, लेक व्यू, ये यहाँ से पानी गिरता है, लोग नहाने के लिए यहाँ आते इतनी दूर। चलो देखते आगे, खूब ये एंजॉय कर रहे हैं पब्लिक। तो यहाँ प्लास्टिक का रेनकोट भी मिलता है 30 मीटर में, और पीछे ऐसा पानी निकल जाता है। बस ये लेक है, ये लेक का पानी यहाँ गिरता है। यहाँ पर गार्ड भी खड़े हैं, अगर किसी ने भी कोई भी हरकत किया तो सीधा उसको डंडे डंडे ही है, देखने लिए, ताकि कोई लेक में जम ना मारे, कुछ ना करे। बहुत भीड़ है लेक पे, संडे का दिन सारी पब्लिक यहीं है। ये इको पॉइंट का रास्ता है, ये यहाँ से इको पॉइंट जाता है,
बहुत भीड़ है, इसके लिए हम लोग ने इको पॉइंट जाना ड्रॉप कर दिया। यहाँ ये घोड़ा पार्किंग है, तो घोड़े पार्क होते हैं और सीधा सामने का रास्ता बाजार यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग ने डिसीजन ले लिया कि हम लोग जाते हैं इको पॉइंट, जब इतना आए हैं इतना चल लिया तो थोड़ा सा और चल गए, इको पॉइंट भी देख लेते क्या है वहाँ पर। चलो देखते इको पॉइंट में क्या होता है। तो फाइनली हम लोग आ गए इको पॉइंट। ये इको पॉइंट है, यहाँ पर नाम लेते हैं तो बोलते हैं नाम मिलता ना है, चेक कर दे, जगह नहीं वैसे खड़े रहने की। फाइनली अमर लॉन्च स्टेशन है जहाँ से वहाँ से स्टार्ट ट्रेन स्टार्ट हुई नहीं, हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। हम नीचे उतर रहे, पार्किंग में जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम भी मातरानी ट्रिप नहीं हो गई ख़त्म, बहुत शॉर्ट ट्रिप थी ये, शॉर्ट टाइम था, जाना था घर पे। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप में कहाँ मिलते हैं। चलो ओके बाय।